फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कोल इंडिया में जो वैकेंसी आई थी उसकी एडमिट कार्ड रिलीज्ड हो गया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट्स आप अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं। फाइनेंस अकाउंट्स का अगर मैं बात करूँ तो 27 फरवरी को एग्ज़ाम है आपका, तो आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे आइए देख लेते हैं। हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ पे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर जो मैं प्रोसेस यहाँ फॉलो कर रहा हूँ आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो आपको ये पेज दिख रहा होगा कोल इंडिया का, ऑनलाइन अप्लीकेशन लिंक पे ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये पेज ओपन होगा, इस पेज के सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, आपको आई एग्री करना है, उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपका ये पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको सिलेबस देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट मॉक एग्ज़ाम क्या वो भी अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको कैसे डाउनलोड करना, हॉल टिकट का टैब दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ असेसमेंट आएगा, असेसमेंट पे क्लिक करते ही आपको कोल इंडिया लिमिटेड 27 फरवरी जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा वो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ सर्च पे क्लिक करना है, सर्च पे क्लिक करते ही आपको ये नीचे टैब दिख रहा होगा असेसमेंट कोल इंडिया करके फाइनेंस अकाउंट्स, यहाँ से आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। यहाँ एक्शन पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में, आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जो फर्स्ट टाइम कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट मॉक टेस्ट है उस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करते ही आपको एक ये स्क्रीन दिख जाएगा, जैसा कि आपको जब आप वहाँ पे जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आपको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसके थ्रू आपको इस तरह साइन इन करना है। साइन इन करते ही आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, आपको केयरफुली पढ़ना है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छे से सारे अटेंड कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये सारी चीज़ें इसी तरह आपको वहाँ पर जाने के बाद मिलेंगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन इस पर क्लिक करेंगे, वो अपना टाइम आते ही वहाँ पे जो लेटर हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको कब क्लिक करना है कब नहीं। उसके बाद ये देख सकते हैं इस तरीके से पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको आंसर देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पे 2-3 10 क्वेश्चन दिया गया है कैसे आपको अटेंड करने हैं। तो जनरल सेक्शन में देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है तो आपका जो भी यहाँ पे आंसर होगा उस पर क्लिक करना है, सेव नेक्स्ट कर देना है। अगर आपका लगता है गलत आंसर हो गया, क्लियर करना आप नहीं देना चाहते हैं तो क्लियर रिस्पॉन्स पर क्लिक करते ही आपका आंसर अनटिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मतलब ये ठीक है मैं देखना चाहता हूँ लास्ट में, तो उसका कलर जो है यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हो जाएगा। जी अगर आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट करेंगे, अगर कोई आंसर आप देते हैं, सपोज मैंने इसको क्लिक किया तो आंसर सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपका ग्रीन हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे उसका रेड होगा, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, और रेड का मतलब आपने मिस कर दिया है और या तो आप उस क्वेश्चन पे हैं, तो और ग्रीन का मतलब है आपने आंसर दे दिया है। तो इस तरीके से जितना भी आप आंसर देते जाएंगे वो आपका कलर जो है यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन होते जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रेड रहेगा, जब आंसर देंगे वो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन इन्वेस्टर फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट इन टू अलाइन, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जनरल, ये अवेयरनेस के हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पे नाबार्ड ये सारे चीज़ें, लॉन्च आधार एम्बेडेड पेमेंट सिस्टम सर्विस, उसके बाद इस पर सपोज क्लिक किया आपने तो नेक्स्ट इस तरीके से ये सारे आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं कैसा, अगर फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।